दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आपके साथ आज मैं इस वीडियो में मानसून सीजन में लगाए जाने वाले परमानेंट फ्लावर जो पौधे होते हैं उसका कटिंग्स कैसे लगाएं और कैसे सक्सेसिवली ग्रो कर सके और कुछ कटिंग्स में मैं लगाया हुआ हूँ और उसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा कैसे अच्छी तरीके से आपका सारा कटिंग्स ग्रो हो सके। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो कटिंग्स कैसे लगाएं पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और जो कोई भी हमारे चैनल में नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे ये एक हिबिस्कस का पौधा है गमले में लगा हुआ है कितना शानदार तरीके से ग्रो हुआ है। देखिए बारिश का पानी गिरते ही इसका कितना सुंदर से ग्रो होना चालू हो गया है। ये रेड कलर का हिबिस्कस है पूरा सारे ब्रांच में बर्ड्स भर भर के आए हैं ये देख पा रहे होंगे कितना सुंदर इसका पत्ता भी ग्लेज करने लगा है। सारा हिबिस्कस ऐसे ही आपका ग्रो करेंगे अभी बारिश का पानी गिरते ही। दोस्तों पहले तो आप इसका कटिंग्स हिबिस्कस का जितना भी आपका देसी वैरायटी का हिबिस्कस होता है वो बहुत ही आसानी तरीके से आपका कटिंग से ग्रो हो जाएंगे दोस्तों। और ऑस्ट्रेलियन पुणे वैरायटी का जो हिबिस्कस होता है वो बहुत कम मात्रा में सक्सेस होता है कटिंग से बट बहुत ही कम मात्रा में। दोस्तों उसको सारे जो नर्सरी वाले वो ईयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से तैयारी किया जाता है ऑस्ट्रेलियन और पुणे वैरायटी का। बट ये सारे जो देसी वैरायटी के आपके हिबिस्कस है आपको ये देखिए ये ग्रीन कलर का ब्रांच नहीं लेना है ये मैच्योर ब्रांच आपको ये देख पा रहे होंगे मैच्योर ब्रांच लगभग पेंसिल के मोटाई जितना आपको ब्रांच लेना है। उसके जो नीचे वाला साइड जो मिट्टी के अंदर जाने वाला है उसको आपको छाल देना है वो पोर्शन को छाल के उसको अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल में डुबो देना है। मैं बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ कैसे कटिंग्स लगाते हैं उसको जाकर भी देख सकते हैं मैं कैसे कटिंग सारे प्रिपेयर करता हूँ। और ये देखिए नीचे वाला पोर्शन को अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल या ट्यूमेरिक पाउडर या हनी में डुबो के उसको सिर्फ और कुछ नहीं करना है ये तीनों में से एक करके उसको मिट्टी में लगा देना है वो बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो हो जाएगा दोस्तों कोई रूटिंग हार्मोन का भी ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा है दोस्तों ये कनियर आलामंदा का पौधा ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए मैं सारे ये कटिंग्स ग्रो किया था ये देख पा रहे होंगे कितने सारे कटिंग्स ये ग्रो किए हुए थे छोटे छोटे कटिंग्स और ये लगभग एक मंथ हो गया मैं जून मंथ में ग्रो किया था। ये कटिंग्स आप देखिए कितना लंबा हो चुके हैं इसको भी पूरी तरीके से वैसे ही तरीके से ग्रो करना है कुछ नहीं करना है दोस्तों उसके बाद सेकंड कटिंग आपको ये देख पा रहे होंगे मैं कुछ ये गेंदा मेरीगोल्ड के कटिंग्स लाया हूँ काट के ये छोटे छोटे कटिंग्स आपको ऐसे लेना है ये देख पा रहे होंगे छोटे छोटे कटिंग्स आपको लेकर ये देख पा रहे होंगे ये एलोवेरा जेल इसी तरीके से आपको ये जो टिप्स है एलोवेरा जेल में लगा देना है अच्छी तरीके से डुबो देना है जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो और कटिंग्स रूटिंग हार्मोन जैसे काम करे ये हमारा एलोवेरा जेल इसी तरीके से आपको सारा कटिंग्स में ऐसे लगा देना है अच्छी तरीके से पहले और उसको मिट्टी में लगा देना है दोस्तों कटिंग्स को ऐसे मिट्टी में आप बालू में भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बालू में भी ग्रो हो जाएगा नहीं तो आप जब भी मिट्टी में लगा रहे हैं वो मिट्टी को पूरी तरीके से हल्का कर दीजिए जहां लगभग 5 इंच तक आपको मिट्टी को हल्का कर देना है क्योंकि जो रूट जाएगा उसको हल्का मिट्टी चाहिए इसी तरीके का आपको लगा देना है। दोस्तों ये कुछ मैं कटिंग्स लगाए हुए थे लगभग एक हफ्ते के पूर्व ये देख पा रहे होंगे कितने शानदार तरीके से ये सारे कटिंग्स मेरा सक्सेसफुली लग गए हैं आपको एक कटिंग्स दिखाता हूँ निकाल के। दोस्तों देखिए ये कटिंग्स सारे कितने अच्छे तरीके से लग गए हैं मिट्टी में रूट्स देख पा रहे होंगे ये लगभग
पाँच से छः दिन का ही कटिंग है। इसको कटिंग के तौर पर आप ये देख पा रहे होंगे, जो ये आपका बोगेनविलिया है, ये बोगेनविलिया का कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। कहीं से भी आप छोटे छोटे कटिंग्स जब भी कटिंग लाते हैं, ये देखिए मैच्योर ब्रांच ही थोड़ा लाए, बहुत ही ज़्यादा नए ब्रांच मत लाइए। मैं आपको दिखाता हूँ उसका भी कटिंग्स कैसे ग्रो किया हूँ। देखिए दोस्तों, ये बोगेनविलिया का सारा कटिंग्स में लगभग 4 कलम ये कटिंग्स ग्रो किया हुआ था, और ये भी लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं और सारा कटिंग्स मेरा सक्सेसफुली ग्रो हो गया है। मैं जितना भी कटिंग्स हमारे घर में लगाता हूँ, सारे मैं रूटिंग हार्मोन के तौर पर मैं यूज करता हूँ। एलोवेरा जेल का जो जेल, वही नेचुरल और बहुत ही अच्छा एक रूटिंग हार्मोन है। ये बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कितने शानदार। उसके बाद दोस्तों आता है 5th कटिंग्स में, कटिंग में से ये आता है, देख पा रहे होंगे ये डबल चांदनी का पौधा है, देख पा रहे होंगे। ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से और सक्सेसिवली आपका कटिंग्स लग जाएगा। ये देख पा रहे होंगे मैं सारे कटिंग्स ये ग्रो किया हुआ था और बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो गया है। ये देख पा रहे होंगे मैं कुछ कटिंग्स बड़े गमले में जैसे प्लास्टिक में शिफ्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 मेरा ये कटिंग्स में लगाया हुआ था और ये कितने शानदार तरीके से ग्रो हो जा रहा है। दोस्तों इसी तरीके का मैच्योर एक कलम लेना है डबल चांदनी का। ये देख पा रहे होंगे मैं डबल चांदनी का कलम लिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे छालते हैं। पहले तो दोस्तों इसका सारे पत्ते को आपको हटा देना है, क्योंकि ये नया कलम लगने वाला है। जब आपको सारे पत्ते को हटाना है दोस्तों, ये कलम देख पा रहे होंगे मैं सारे पत्ते को इसका छील दिया हूँ, और ये नीचे वाला पोर्शन है जो हमारे मिट्टी के अंदर जाने वाला है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से इसका जो छाल होता है, छाल को छील देना है। दोस्तों देख पा रहे होंगे इतना सा आपको लगभग 1 के आसपास इसका जो छाल देना है, ऐसे वाइट पोर्शन आने के बाद इसको आपको ये एलोवेरा जेल में अच्छे तरीके से डुबो देना है। देख पा रहे होंगे देखिए ये अच्छे से डुबो दिया है इसको आपको। कटिंग से नहीं भरा, बट ये आपका जो सीड से बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो हो जाता है। अपराजिता के भी फ्लावर लगा सकते हैं मानसून सीजन में, देख पा रहे होंगे मेरा पौधा। मैं फ्लावर भी दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों कितना शानदार फूल दिया हुआ है। ये भी सीड से आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही शानदार फूल खिलता है, देख पा रहे होंगे। ये मानसून सीजन में इसका फ्लावर का साइज भी बहुत ही शानदार रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको 6 कटिंग के हिसाब से ये देख पा रहे होंगे, ये सिंगल चांदनी का पौधा है। छत के ऊपर कितना बड़ा बड़ा फूल दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे पौधे का ग्रोथ। इसका भी आप ऐसे कटिंग से लेकर ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान तरीके से ग्रो हो जाता है। उसी टिप से ही आपको ये ग्रो करना है दोस्तों। कटिंग्स के दौर पर यह आता है थाईलैंड चंपा, जिसको चंपक नाम से भी बोलते हैं। इसमें कितने सारे फ्लावरिंग लगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये भी जो पौधा है आपका, बहुत ही आसानी से आपका कटिंग से लग जाता है। ये देख पा रहे होंगे ये सारे जो मोटा मोटा ब्रांच है, ये सारे को आप काट के यहाँ से इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। इसका कटिंग्स भी बहुत ही आसानी तरीके से ग्रो दोस्तों हो जाता है। उसके बाद आता है ये जो मोगरा का प्लांट, ये भी बहुत ही आसानी से आपका कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे ये सारे ब्रांच को आप कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये छोटे से ब्रांच में लगाया हुआ था, इसका कटिंग्स कितने अच्छे से सक्सेसफुली लग गया है, देख पा रहे होंगे। ये इसका ग्रोथ भी, फूल भी एक ठो आ गया है। इसी तरीके से आप मोगरा को भी लगा सकते हैं, सिर्फ एलोवेरा जेल को यूज करते हुए। ये सारे परमानेंट प्लांट है और मानसून सीजन में खास करके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावर देता है, देख पा रहे होंगे कितना कलियां भर भर के आए हुए हैं। अशोक का फूल यहाँ पर
दोस्तों ये भी बहुत गुच्छे में फ्लावरिंग आता है, देख पा रहे होंगे कितना शानदार, पूरा रेड कलर का इसका बहुत वैरायटी का आता है, छोटे छोटे मिनीचर वैरायटी का भी आता है। इसका भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, ये सारे मैच्योर प्लांट लेकर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार तरीके से और सक्सेसिवली आपका कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे पौधे में फूल आना भी चालू है। गुलदाउदी का पौधा सबसे बेस्ट ग्रो होने का पौधा, ये भी अभी समय आ गया है ग्रो करने का। तो दोस्तों बट इसमें मैं अलग सा एक इंडिविजुअली वीडियो बनाकर आपको साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं इतना सही, ये सारे मैं जितना भी बताया ये सारे परमानेंट कटिंग से लग जाने वाले अच्छा फ्लावरिंग पौधा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, सक्सेसिवली ग्रो हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।